जब तक डोंग मिंगकुई की मौत नहीं हो जाती, तब तक मेरे छोटे भाई की आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी। तुम सब नामाकूल हो, तुम्हें साथ रखने का कोई फायदा नहीं है, दफा हो जाओ। डोंग मिंगकुई। मुझे दो ना, दो ना मुझे। नहीं दूंगा, नहीं बिल्कुल। महाशय, आप क्या लेंगे? एक कप चाय मिलेगी? हाँ मिलेगी ना, एक कप चाय। चलो ये लीजिए आपकी चाय। हैं? लाओ, मुझे दो ना। नहीं, बिल्कुल नहीं, दो ना। हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं और इस बार कहीं नहीं जाने वाले हो। पकड़ो इसे। साथियों, मिस्टर डे ने हमें एक आदेश दिया है, तुम्हें वापस ले जाना है जिंदा या मुर्दा। काफी समय लगा तुम्हें ढूंढने के लिए। आज मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा और उस पर नमक डालूंगा। पकड़ो इसे। कौन है तुम? श्रीमान जी, बड़े साहस की बात है किसी की दिन दहाड़े रोड पर हत्या करना। तुम काफी थक गए होंगे, इस तरह की धमकियां मत दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसी आसान मौत दूंगा? मुझे लगता है कि ये सबक तुम लोग याद रखोगे। दफा हो जाओ। चलो चलो जल्दी चलो। चलो निकलो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो चलो। मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे बच्चों को बचाने के लिए। ये लीजिए चाय नाश्ता, एक छोटा सा आभार समझिए। मैं अभी चलता हूँ। शुक्रिया। मैं डोंग मिंगकुई हूँ, जिन्होंने मुझे बचाया उनका नाम जान सकता हूँ? अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे मेरा नाम चैन जिनफेई है। आज मुझे चाय के बदले शराब परोसने का आदेश देंगे तो अच्छा होगा। हाँ। एक मार्शल आर्टिस्ट का फर्ज होता है दुष्ट लोगों से कमजोरों की सहायता करना। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम परेशानी खड़ी करने वाले लगते तो नहीं, फिर भी वो तुम्हें क्यों मारना चाहते थे? वो क्योंकि मेरे पास उतनी ताकत नहीं है। क्या? किसने किया ये? डोंग मिंगकुई, तुम फिर से? हाँ तो क्या हुआ? साथियों, हमला करो। या!
मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेरे मुंह बोले भाई जिंग की मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं जेल जाने से तो बच जाऊंगा। जिंग मेरे गांव का व्यापारी राजकुमार है। मैं झाओ काउंटी की उसी की दुकान में जा रहा हूं इस तूफान से बचने के लिए। जब वो सब कुछ संभाल लेगा तभी मैं घर जा पाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे बूढ़े पिताजी वो डर गए होंगे। डोंग तुम बड़े भावुक आदमी हो, तुमने सिर्फ किसी की मदद की। ये लो एक जाम तुम्हारे नाम। डोंग, मुझ पर एक जिम्मेदारी है और मुझे बहुत दूर जाना है। ये सब तो बस रास्ते की बाधा थी। अपना ख्याल रखना। आप भी। मैंने बचपन में मार्शल कला सीखी है लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे एहसास होता है कि आप शेर पर सवा शेर हो। मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। खड़े हो जाओ, तुम्हें मेरे सामने झुकने की जरूरत नहीं। तुम कद काठी से काफी हट्टे कट्टे हो और स्वभाव के भी अच्छे हो। तुम्हें कोई ना कोई गुरु मिल जाएगा। एक काम करते हैं, अभी कुछ दिनों में मेरे पुराने गुरुजी का जन्मदिन है, तुम मेरे साथ पहाड़ों पर चल सकते हो। अगर भाग्य ने साथ दिया तो हम दोनों, तुम और मैं, एक ही गुरु के शिष्य बनेंगे। सच में? लेकिन मुझे पहाड़ी पर जाने से पहले एक जरूरी काम करना है। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगा। सुनिए, जल्दी अंदर चलते हैं, चलिए आइए। देखो अब यह संभल के रहना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी बात है, समझे तुम? हम लोग यहाँ रात गुजारेंगे। आज तुम थक गए होगे, आराम कर लो। मुझे लगा आपको आज कोई जरूरी काम है। वो आज रात को करना है। हाँ ठीक है। तुम क्यों आए? सुनिए, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मैं तो आपको बचाने के लिए आया हूँ। बेवकूफ, तुम नकली मार्शल आर्ट से मेरी मदद नहीं कर सकते। उनके पास एक से एक विदेशी शूटर हैं। अगर वहाँ कुछ हो गया तो मैं तुम्हें बचाऊंगा या उनसे लड़ूंगा। मैं यहाँ लोगों का भला करने आया हूँ। सुनिए, हमें साथ मिलकर इस काम को अंजाम देना होगा। तो कब से शुरू करें? ठीक है, एक काम करो, वहां देखो। वो दो पहरेदार दिख रहे हैं तुम्हें? अगर तुम्हें कोई गड़बड़ लगे तो मुझे खबर करना। लेकिन आप संभल कर रहना।
जा रहा है अंदर। चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो भागो यहां से। भाग रहे हैं। चलो चलो जल्दी भागो। क्या आप ठीक हैं? मेरे झोले में एक जड़ी बूटी है, लाता हूँ। आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं। हालांकि चैन, आज रात हमें जो काम निपटाना था वो हमने कर लिया। कर लिया। बढ़िया। मुझे माफ करना, मैं आपके लिए कोई वैद्य ढूंढ कर लाता हूं। नहीं, आज रात हमने सरकार को सतर्क कर दिया है, सुबह होने से पहले बाहर मत निकलना वरना तुम मारे जाओगे। बिस्तर लगाते हैं, मुझे आराम करना है। धीरे धीरे। आराम से आराम से आराम से। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए वो लोग? कोई मिला क्या? उस तरफ जाकर ढूंढो। हाँ, यहाँ पर। जल्दी कीजिए। हाँ देखता हूँ। तुमने मुझे यहाँ बुलाने में काफी देर कर दी। चैन, चैन, उठ जाओ, उठ जाओ, चैन, चैन, उठ जाओ, उठ जाओ, चैन, चैन। मेरे मुंह बोले भाई मिंग कोई, जीवन और मौत पहले से लिखी होती है, तो मौत से क्या डरना? मुझे सिर्फ इस बात का पछतावा है कि मैं अपने गुरुजी की सेवा नहीं कर पाऊंगा। उनका जन्मदिन मनाने के लिए मेरे थैले में एक तोहफा रखा है, कृपया उन्हें मेरी तरफ से ये तोहफा दे देना। अगर तुम मंजिल तक पहुंच गए और गुरुजी के शिष्य बन गए तो तुम अपने कर्तव्यों का पालन करना मेरी तरह। शुक्रिया।
दादाजी। दादाजी आकर चाय पीजिए। पहाड़ी हवाएं बहुत तेज होती हैं। तुम बाहर क्या कर रही हो? दादाजी चिंता मत कीजिए, मैं वो जड़ी बूटी ले रही हूँ जो आपने बताई है। ये लीजिए दादाजी। दादाजी चेन जल्दी वापस आएगा ना? क्या तुम चेन को याद कर रही हो या उन चीजों को जो वो वापस लेकर आने वाला था? दादाजी सच कहा, चेन को ये पहाड़ छोड़े हुए काफी समय हो गया है, अब उसे आ जाना चाहिए। जेनफी, उसने पाठशाला का सम्मान बचाया और एक शहीद की मौत मारा। शुक्रिया नौजवान, जेनफी का सामान यहाँ लेकर आने के लिए। उन्होंने जैसा मुझे कहा था उस बात से इनकार नहीं कर सकता। जब वो ही नहीं आ रहा तो इन चीजों का क्या फायदा? तुम रो मत, रोना तुम्हारे लिए ठीक नहीं, ठीक है? तुम यात्रा से थक गए होगे, आज की रात रुक जाओ हमारे यहाँ पर, हम कल बात करेंगे। जी बिल्कुल। जी सुनिए टोंग, आप उठ गए क्या? दादाजी ने आपको बुलाया है। हाँ आ रहा हूँ। मिस्टर डोंग। मिस यूनफांग, बस इतना ही कहूंगा, मुझ पर भरोसा कीजिए, वो आपको ऐसा नहीं देखना चाहेंगे। क्षमा कीजिए डोंग, पर दादाजी आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। जी बिल्कुल। दादाजी ये खंजर किस लिए? कल रात मैं बजाओ गया था, तुम बिल्कुल सच बोल रहे थे, पहले मुझे तुम पर शक हो रहा था, कृपया मुझे माफ कर दो नौजवान। आप रात में वहां जाकर वापस भी लौट आए? तुम जैसे वफादार दोस्त के कारण जेनफई को अपनी जिंदगी से कोई पछतावा नहीं हुआ। मेरे गुरु, जिनोफिया से मिलने के बाद उसकी मार्शल शैली और स्वभाव का गुणगान करने लगा, इसीलिए आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए ताकि मैं भी बिल्कुल जिनोफिया की तरह एक नायक बन सकूं। श्रीमान जियांग, आपको पता है डियोंग कैसा लड़का है? उसकी पृष्ठभूमि बहुत ही जबरदस्त है। हाँ उसने 3 हत्याएं तो की हैं, लेकिन अगर ये बात आगे बढ़ी तो आपको पता है क्या होगा, मैं अपना पद खो दूंगा। आपके लिए ये सब मुश्किल हुआ होगा ना? वैसे इस बात को काफी समय हो चुका है और आप काफी जिम्मेदार रहे हैं, और किसी भी परेशानी का ऐसा नहीं है कि निवारण नहीं हो सकता है। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद, धन्यवाद आपका। दादाजी देखिए, सिर्फ कुछ महीने बीतने दो, वो खुद ही आकाश पाताल एक कर देगा, इसकी ताकत भविष्य में असीम होगी।
मिंकुई आप चाय पियोगे? ठीक है लीजिए। शुक्रिया। ये लो इससे पूछ लो। तुम अपने तलवों के बलबूते जितना खड़ा हो सकते हो जाओ, फिर धीरे धीरे नीचे जाओ और यही चक्र दोहराओ। अपनी हथेली को चक्के की तरह घुमाओ। आग हल्की होने के कारण ऊपर उठती है, जबकि पानी भारी होने के कारण नीचे सूख जाता है। पताका की तरह लहराओ और मोमबत्ती की तरह रोशनी फैलाओ। तुम्हारे अंदर ऊर्जा का असीम भंडार है जो तुम्हें बादलों की तरह बहा सकता है। योग से तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी। ऊर्जा को शरीर के हर भाग में बहने दो। यून, मैं वापस आ गया। अरे डोंग, तुम वापस आ गए? सुनो यून। हाँ? ये तुम्हारे लिए। तुम फिर पहाड़ के पीछे गए थे? कोई बात नहीं। अरे रुको, यहाँ आओ। ओ दो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उस पहाड़ के पीछे मत जाना, वहां पर हिंसक जानवर हैं। अगर वहां तुम्हें कुछ हो जाता तो? गुरुजी ने कहा था गंडोरमा सेहत के लिए फायदेमंद है। मुझे पता है तुम मेरे लिए बेहतर चाहते हो, पर तुमने जो किया वो खतरनाक है। हो गया। गुरुजी, कुछ समय से मेरी एकाग्रता भंग हो गई है। मेरी हथेलियां ताकतवर हो जाती है, कभी कभी मेरे काबू में नहीं रहती। गुरुजी, हंसने वाली क्या बात है? मिंकुई, अभी तुम यहां बैठ जाओ। अधिकतर मार्शल आर्टिस्ट अपने भाग्य के बलबूते मार्शल आर्ट सीखते हैं, मगर तुम प्रतिभाशाली हो। तुमने ये साबित कर दिया है दुनिया को अचंभित करके। ये तुम्हारा नसीब है। एक मार्शल आर्टिस्ट का कर्तव्य होता है जो उसने सीखा उसका इस्तेमाल करे जब वो नैतिक दुनिया में जाए। मैं जितनी भी मार्शल आर्ट जानता था मैंने वो सब तुम्हें सिखा दी है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कितना याद रख पाते हो। मिंकुई, भाग्य हमेशा बहादुरों का ही साथ देता है। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जब तुम यहाँ से निकलोगे तो तुम्हें कुछ चीजों के जवाब मिलेंगे। फिर तुम समझ जाओगे कि मेरे इन सभी कहे हुए शब्दों का मतलब क्या था। मिस यून। हाँ? मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ। अच्छा? गुरुजी ने जाने की अनुमति दी है। क्या हुआ यून? यून, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ यून, बताओ मुझे, तुम रो क्यों रही हो?
मेंकोई, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सलाह है। तुम्हारे पहाड़ छोड़ने से पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ। पहली सलाह ये है, मैंने जो तुम्हें मार्शल आर्ट सिखाई उसे कायम रखना अच्छे कामों के लिए है। अपनी ताकत से किसी को डराना मत, ना ही कोई गलत काम करना। चिंता मत कीजिए गुरुजी, मैं आपका नाम बदनाम नहीं होने दूंगा। और दूसरी सलाह, दुनिया दहशत से भरी पड़ी है और लोग लाचार हैं। मैं उम्मीद करता हूँ समाज के लिए तुम अच्छा करोगे। तुमसे जितना हो सके दुनिया में शांति लाने की कोशिश करना और शांत मन से चीजों का समाधान निकालना। दुनिया से बुराई को खत्म करना, देश और लोगों की सेवा और मदद करना। मैं आपकी हर सलाह याद रखूंगा गुरुजी। मेरा आपसे एक अनुरोध है, मुझे कहने की इजाजत दें। ये युनफंग के बारे में है ना, है ना? युन, हमारा घर आगे ही है, चलो। हाँ। कौन है? मिस्टर सिंह है क्या? एक बूढ़ा होने के नाते लगातार मेरी चिंता करने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। तुमने जो चावल भेजे थे वो अब तक खत्म नहीं हुए हैं। पिताजी, पिताजी, मैं वापस आ गया। मेरे आलसी बच्चे, मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ चले गए थे? तुमने मुझे कितना गुस्सा दिलाया था। पिताजी रुक जाइए ना। पिताजी, ये युन फांग है, आपकी बहू। पिताजी, ये लो, ये ले लो। पिताजी, ये क्या है? ये मिंकू की माँ के गहने हैं जो उसने अपने बहू के लिए छोड़े थे। पहन कर देखो। हाँ। ओह, ये तो तुम पर जच रहे हैं। किसी ने सही कहा है, वो समानता वाले लोग जुड़ जाते हैं। शुक्रिया पिताजी। पिताजी, मिंकुई लंबे समय से घुटनों पर बैठा है, अभी उसे आप माफ कर दीजिए ना। बिल्कुल नहीं, वो बहुत आवारा लड़का है, उसे तो सजा मिलनी ही चाहिए, हमेशा गुस्सा दिलाता है। पिताजी, मैं ठीक हूँ, चिंता मत कीजिए। चुप बैठो तुम। मिंकु आए। मिस्टर डोंग, दरवाजा खोलिए। देखो, मिस्टर जिंग आ गए। तुम जाओ दरवाजा खोलो, मैं यहाँ सफाई करता हूँ। ठीक है। मिंकोई, आप तो जिंग है ना, अंदर आइए। आप कौन? सुनो जिंग, हा? ये तुम्हारे भाई की पत्नी है, यानी मेरी। क्या बात है, बहुत खूब, कितने खुश नसीब हो।
और तुम्हें देखो, तुमने फिर से शरारत कर दी। क्या मिस्टर डोंग ने तुम्हें सजा दी है? मैं तुमसे मिलने ही आ रहा था, लेकिन तुम ही यहाँ आ गए। कोई बात नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम इतने सालों से आखिर थे कहाँ पर? ध्यान से सुनिए, हम लोग यहाँ पर मिंकुई की घर वापसी के नाम पर जश्न मना रहे हैं। पियो, पियो, लीजिए। मुझे कुछ कहना है। हम लोग वहां पर थे नहीं जब मिंकुई ने शादी की। मैं चाहता हूँ इनकी दोबारा शादी हो जाए, बिल्कुल, और उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा ताकि मैं अपने भाई के साथ मजे कर सकूं। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। सुनो जी, यून और मेरी शादी पहाड़ों में हुई थी, इसलिए तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, इससे बहुत परेशानी होगी। नहीं तो शादी में कौन सी परेशानी होती है? इसके अलावा मिस्टर डोंग, उनके बारे में सोचो, वो भी तो नहीं थे। नहीं 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 नहीं, अरे जिंग सुनिए, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। ए, बस करो, तुम इतनी ईमानदार भी मत बनो। मिंकुई और मैं बचपन से दोस्त हैं, मैं तो मानता हूँ, पर मिंकुई का नहीं पता। उसे मत मारो, मत मारो उसे। मैंने कहा रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। अरे जरा रुको। मेरे पिताजी ये पतंग शहर से लाए थे, मेरे लिए बहुत स्पेशल है, इसने इसे तोड़ दी। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। हटो। डैनियल, डैनियल भागो मत, रुको रुको, उसकी मदद करते हैं। खुशी में साथ में और दुख में भी साथ में। हा, 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 हा। हमेशा भाई की तरह रहना। चीयर्स। हाँ चीयर्स। अरे लेकर आओ उसको, जल्दी करो। चलो चलो, अरे चलो भी, अरे चल यार, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, चलो। अरे लेकर आओ इसे। अरे शर्माओ मत यार। अरे आ जाओ, आ जाओ, यहाँ आ जाओ। अरे चलो भी, अरे चलो, अरे आगे चलो यार। इतने बढ़िया लग रहे हैं दोनों। पिताजी ये लीजिए, दोनों की जोड़ी माशाल्लाह है। शुक्रिया, मुबारक हो, मुबारक हो, शादी मुबारक हो। बहुत बढ़िया यार, क्या शानदार जोड़ी है दोनों की, देख के तो मजा ही आ गया, दिल खुश हो गया। अब तो बस नाचेंगे, चलो भाई सभी लोग पियो, जश्न मनाओ। अरे पियो यार, पियो तुम। इस खुशी के मौके पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाओ यहाँ से, जाओ जाओ जल्दी। ये प्याला संभाल, मैं अभी आया, मजे करना। क्या आप ये प्लीज फल अंदर ले जा सकती है? ये घटिया अनार देखकर लोग हम पर हंसेंगे। जाओ 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 यहाँ से, चले जाओ, चलो जाओ। लेकिन ये, जाओ यहाँ से। मिंकुई, तुम कौन हो? मैं डैनियल हूँ। तुम डैनियल हो? हाँ डैनियल हूँ। डैनियल, आखिरकार तुम मुझे मिल गए। मुबारक हो मिंकुई, मैं तुम्हारे लिए अनार बहुत दूर से लेके आया हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ये ले लो, अंदर जाओ तुम। डैनियल, डैनियल, आज मेरी शादी हो रही है, तुम अंदर आ सकते हो। लेकिन मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाने दो अभी। चलो अंदर, खूब पीते हैं, चलो आ जाओ।
पिताजी की खांसी बढ़ती जा रही है। हम उन्हें दवाई दे देते हैं। पिताजी, दवाई लेने का समय हो गया। पिताजी, दवाई लीजिए। पिताजी, धीरे पीजिए। मिंकोई, तुम्हारी माँ जानकर ये खुश हो जाती कि तुम्हारी आज शादी हो गई। कितनी अच्छी थी वो। पिताजी, कल मैं आपको किसी अच्छे वैद्य के पास ले जाऊंगा। उसकी कोई जरूरत नहीं, अब मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। और पैसे बर्बाद मत करो। जी पिताजी, ठीक है, कुछ मत बोलिए, आप आराम कीजिए, आइए। चलो चले। इन्हें शहर ले जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, कल ले जाइए इन्हें। हाँ चलो चलते हैं। मिंकुए, नाश्ता तैयार है। आया। पिताजी, नाश्ते के लिए आइए। पिताजी, 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 पिताजी। मिंकोई, यून, शोक स्वीकार करो। मिंकोई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने मेरे बगीचे में सारा इंतजाम कर लिया है, फिक्र मत करो। शुक्रिया। भाइयों के बीच कैसा शुक्रिया अदा कर रहे हो? हाँ मिंकुए, मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। मुझे उठाओ। डैनियल, उठ जाओ, उठो। मुझे कुछ पैसे चाहिए, बस एक कश लगाना है, बस एक कश, भरोसा करो, बस भरोसा करो, बस एक कश। डैनियल, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। डैनियल, उठ जाओ, मेरे साथ चलो, आओ। डैनियो, इतनी अफीम क्यों पीते हो? मेरे पैर एक्सीडेंट में खराब हो गया, उस समय मेरे घर में काम चल रहा था, मुझे बहुत दर्द होता था हर रोज। मैंने सारी दवाएं इस्तेमाल की, फिर मैं कफीम की दुकान पे गया, उसने मुझे झूठ बोल के
ये दिया और कहा कि ये ठीक हो जाएगा, और तब से मुझे इसकी आदत लग गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं नशेड़ी हो जाऊंगा। डैनियो, जब तक तुम्हारी अफीम नहीं छूटती तुम यहां मेरे घर में ही रहोगे। डैनियो, आज हम मैं उम्मीद करता हूं कि तुम समाज के लिए अच्छा करोगे, तुमसे जितना हो सकेगा दुनिया में शांति लाने की कोशिश करोगे और अशांत दुनिया के संघर्षों का समाधान निकालोगे, दुनिया से बुराई खत्म करोगे और लोगों की सेवा करोगे। आइए आइए अंदर आइए, कुछ नई चीजें टेस्ट करिए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जी महाशय, इस तरफ आइए ना, कुछ कष्ट लीजिए, इस तरफ आइए। मेंकोए, मुझे बचाओ, मदद करो मेरी। अरे जन्नत मिल गई रे। दफा हो जाओ यहाँ से, बंद करो ये सब, बंद करो पीना। क्या कर रहे हैं? जरा अपनी हालत देखो, हाँ? जाओ यहाँ से। तू जा, पूरा मजा मेरे साथ आ, मेरे साथ आ, जाओ यहाँ से, जाओ। तुम भी जाओ, निकलो यहाँ से, जाओ। छोड़ दीजिए। सब निकल जाओ। अरे क्या मजा कर रहे हो, कल आ जाते हैं, चल बाहर बैठ के नशा करते। डोंग मेंखोई, मैं तुम्हारे पास नहीं आया बल्कि तुम मेरे पास आए। मुझे लगता है हमें अपने पुराने हिसाब चुकते करने चाहिए। मैं तुम्हें मार दूंगा और मेरे छोटे भाई का बदला ले लूंगा। तो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं तुम्हारी इन काली करतूतों को बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारी सच्चाई सामने लाऊंगा। दिन में सपने देख रहे हो, पकड़ो इसे। क्या बात है, बहुत अच्छा किया तुमने भाई साहब, जला दो सब कुछ। बहुत अच्छे, तुम सही हो। मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा। आग बुझाओ, आग बुझाओ, आग बुझाओ यार। तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो, निकल जाओ।
तीन साल पहले मैं पूरी तरह ये बात भूल चुका था, तुम्हारा और डियोंग का झगड़ा है। अब जो तुम वापस आ गए हो, तुमने वो झगड़े को आग दी है। उस अफीम की दुकान से लोगों का नुकसान हो रहा था, बंद कर दिया। कितने बेवकूफ हो। ये जो डियोंग है, ये पहले वाला डियोंग नहीं है। उसके परिवार का एक आदमी कोर्ट में बड़े ओहदे पर है। यहाँ के बड़े बड़े अधिकारी उसके सामने सर झुकाते हैं। तुम क्या ही उखाड़ लोगे। ये धंधा विदेशी लोग चलाते हैं, न्याय व्यवस्था भी चुप है, तो इस मामले में हम लोग क्या कर सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है, वो दुकान चलाने से तुम दुनिया में बदलाव लाओगे? तुमने गलती की है, तुम इतने गर्म खोपड़ी कैसे रह सकते हो जबकि तुम्हारी शादी भी हो गई है? अगर मैं तुम्हें वहां बचाने नहीं आता तो तुम अब तक जेल में चक्की पीस रहे होते। डोंग मिंगकुई, तुम्हें मेरी परवाह नहीं, लेकिन अपनी पत्नी के बारे में तो सोचो। क्या तुम उसे ऐसी जिंदगी देना चाहते हो? हाँ, मिंगकुई, भले ही जिंग मुझे दोष देता है, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो अफीम का धंधा एक दिन जल्दी खत्म होगा। युन, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं गलत हूं? अफीम अच्छा नहीं है, लेकिन उसे जलाना बड़ी बात नहीं है। लेकिन मिंगकुई, तुमने अपने आप को मुसीबत में डाल दिया है। अगर जिंग मदद नहीं करता तो सोचो तुम्हारा क्या होता। आप मेरे पति हैं, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं, मगर वो बात याद कीजिए जो पिताजी ने मरने से पहले आपको कही थी। हम जिंग को मुसीबत में नहीं डाल सकते। ये भगवान, बेचारे के साथ देखो क्या हो गया, मर गया। ऐसा था, नशा आदमी की। सही कह रहे हो यार, तुम कभी निशा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका तो यह शो होना ही था। होना तो शक्ल से तो बड़ा शरीफ लगता था। हाँ, शरीफ तो था ही। क्या हो गया है, क्या कर सकते हो अब? एक और चला गया, ये कितनी दुख की बात है। दुख की बात तो है, लेकिन अब नशा करेगा तो यही हाल होगा इसका। उसने नशा नहीं किया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे शहर में एक दिन तबाही मच जाएगी। खैर चलो चलते हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट का फर्ज होता है दुष्ट लोगों से कमजोरों की सहायता करना। जाकर देखता हूं। यही है वो, यही है, इसीने आग लगाई थी। इसीने आग लगाई थी। चलो, यही बदतमीज आदमी है जिसने आग लगाई थी वहां पे। इसीने हमारा नुकसान किया है। हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे तुझे। तूने हमारा नुकसान किया। बकवास बंद करो।
जरा अपने गिरेबान में झांको। क्या तुम में से किसी में इंसानियत नाम की चीज नहीं है? क्या तुम में से किसी ने अपने परिवार, अपने घर के बारे में सोचा? क्या सोचा कभी तुमने कि वो कौन सी चीज है जिससे तुम्हारी यह हालत हुई है? अफीम नसीब बदलने वाला कोई मरहम नहीं है, ये जहर है जहर। मैंने तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तुम्हारा नुकसान अफीम की वजह से हो रहा है। असली गुनहगार तो वही है, आपकी हालत का जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, वो है। अरे इसकी बात क्यों सुन रहे हो, मारो इसे। हाँ मारो मारो इसे, मारो 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 इसे, मारो मारो इसे। ये लोगों को भड़काने के लिए मैंने तुम्हें इतना मारा है, दफा हो जाओ। चलो यार, तुम सब लोग दफा हो जाओ। चलो अभी चलो, तुझने तो कमर ही तोड़ दी, पूरा नशा उतार दिया, भागो जल्दी भागो। चलो चलो जल्दी निकलो, जल्दी निकलो। देखा जिंग, क्या अब तुम खुश हो? तुमने उनकी मदद करने का वादा किया था ना, देखो बदले में क्या किया उन्होंने तुम्हारे साथ। अपने घर को देखो, क्या बना दिया है तुमने। मेंकोई, मैं तुम्हें हीरो बनने से कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन अपनी बीवी की तरफ देखो। क्या उसने तुमसे इसलिए शादी की क्योंकि वो इस तरह जी सके? वो विदेशी पागल है, अफीम हर जगह है, पर हमारी सरकार कमजोर है, तो क्या तुम अकेले ही सब बदलोगे? देश के उत्थान या पतन में नागरिक का योगदान होता है। बेवकूफी, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा ही सब कुछ है। मिंकोई, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया ताकि तुम और मैं एक बेहतर जिंदगी जी सके, समझ गए? आशा करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो तुम्हें समझ में आ रहा है। इतना ही कहूंगा, अपना ख्याल रखना। मिंकुए, मैं सपना देखती हूँ कि हम अपनी जिंदगी पहाड़ों में गुजार रहे हैं। हमें किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज की चिंता नहीं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कितना अच्छा होता अगर हमने कभी वो पहाड़ी छोड़ी नहीं होती। नहीं नहीं, मारना मत मारना। तुम अभी तक नहीं माने, परेशान करने आया हूँ। मैं कुछ करने नहीं आया, मैं डेन्यू का भाई हूँ, मेरा नाम ही वो है। तुम यहाँ क्यों आया हो? मुझे एक नौकरी मिली 3 महीने पहले। अरे जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, अरे जल्दी करो, लेट क्यों हो रहे हो? चलो 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 चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी, अरे जल्दी करो। अरे यार क्या कर रहे हो ये, तुम्हारे पास ताकत नहीं है क्या? उठाओ उसको, अरे करो जल्दी करो, उठाओ उसको जल्दी, अपना अपना काम करो, कदम नहीं रुकने चाहिए किसी के। अब तुम्हारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, तुम यहाँ से जा सकते हो। दुनिया से बुराई खत्म करना और लोगों की सेवा करना, जाना जरूरी है। गुरुजी की सलाह हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है,
यून, जब तक ये चलेगा शांति से नहीं बैठूंगा। संभल कर रहना। मेरे वापस आने का इंतजार करना। सुनो, जिंग दरवाजा खोलो, खोलो जल्दी। क्या हुआ? जिंग सुनो, मैं कोई मुसीबत में है। अरे यार, तुम क्या करने जा रहे हो ये? अरे तुम आखिर क्या कर रहे हो? डोंग मिंगकुई, डोंग मिंगकुई, सिपाहियों जी, उसे पकड़ लो। चलो 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 भाई, इस बदमाश को लेकर आ गए हम लोग 3 नंबर में। चलो चल अंदर जा। जिंग, मिंकी को बचा लो। ए, क्या हुआ? ठीक से खड़े हो जाओ। अरे बाप रे, ऐसा नहीं कि मैं मदद नहीं करना चाहता, लेकिन उसने बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया है जिसमें बड़े अधिकारी भी शामिल है, और मेरी पहुंच वहां तक नहीं है। जिंग, लेकिन हमारी पहली मुलाकात में तुमने कहा था कि तुम और मिंकुई सगे भाई से भी बढ़कर हो। कम से कम ये सोचकर तो उन्हें बचा लो कि उन्होंने तुम्हारी जान बचाई थी। देखो यून, ठीक है, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अब तुम घर चली जाओ और इंतजार करो। बताइए बताइए, आपकी खिदमत में क्या कर। मिस्टर लॉरेंस, आपको कहना चाहिए था कि आप आ रहे हैं, मैं महल की सजावट तो कर लेता। चुप करो। सुनो, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? सुनाई क्या? ये अफीम के नशेड़ी कह रहे हैं ये सामान यहाँ काफी समय से पड़ा है, तुम्हारे काम से तंग आकर मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें कुछ याद दिलाने के लिए। मेरे पास उतना धीरज नहीं है, समझ गए? मिस्टर लॉरेंस, मुझे खुद को नहीं पसंद इतना सारा सामान रखना, पर मैं कहना चाहता हूँ अफीम का धंधा वेनन में करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक डोंग मिंगकुई नाम का आदमी है जिसने हमारी दुकान पूरी जला दी थी। अगर मैं मेरे लोगों को अंदर सही वक्त पर नहीं भेजता तो आज यह दुकान यहाँ पर होती ही नहीं, यकीन मानिए। डोंग मिंगकुई? जी हाँ। मुझे सिर्फ बिक्री की चिंता है, जो मुझे ज्यादा फायदा देता है वो मेरा दोस्त है, समझ गए ना? मुझे लगता है कि तुम समझ गए। जी जी, जरूर जरूर जरूर। चलो 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 चलो, जल्दी करो, तुम यही रुक जाओ। चलो अंदर, जल्दी करो। चलो अब चलते हैं।
मिस्टर लॉरेंस, आशा करता हूं कि आपको मुझ पर भरोसा है। मिस्टर लॉरेंस, अभी जो आया था वो थोड़ा गर्म दिमाग का है, अब फिक्र मत कीजिए। ऐसा लगता है डोंग मिंकुई के मामले को तुम ही देखने वाले हो। मुझे निराश मत करना। अब बस खुशखबरी का इंतजार कीजिए। जिंग, तुम यहाँ क्यों आए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अगर तुम्हारी बीवी नहीं बताती तो तुम एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए होते। चलो चलो मेरे साथ। नहीं, यहाँ अफीम जमा किया है जिसे मैं जलाना चाहता हूँ। मिंकुई, मैं तुम्हें आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम ये कब तक कोशिश करोगे? कब तक कोशिश करूंगा? अगर हम ऐसे बैठे रहे तो हमें और उनमें क्या फर्क रहेगा? जिंग, वो मशाल मुझे दो। मुझे तुम्हें कितनी बार कहना होगा, मेरी बात सुनते क्यों नहीं? तुम इसे नहीं जला सकते। जिंग, तुम मेरा साथ नहीं दोगे? लेकिन मुझे यकीन है मैं इस गोदाम को जलाकर राख कर दूंगा। तुम क्या चाहते हो? हाँ, ये जो गोदाम है ना वो डी योंग का नहीं है। ये जो गोदाम तुमने जलाकर राख कर दिया है ना, वो जिंग परिवार का है। जिंग, क्या तुम ये सच कह रहे हो? हाँ, डी योंग बस ये दुकान को संभालता है, इस गोदाम का असली मालिक मैं ही हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुमसे कहा था ना डोंग मिंकुई को कुछ नहीं होगा, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा? मैं तुम्हें कह रहा हूं, मैं किसी से नहीं डरता। यह वेनन में जिंग परिवार का मुझ पर हाथ है। जी, और एक बात, तुम ये मत समझना कि मेरी तुम पे नजर नहीं है। जी जी जी, मिस्टर जिंग मुझे माफ कर दो, आपकी बदौलत ही तो मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मैं कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे आपके मन को ठेस पहुँचे। लेकिन मिस्टर लॉरेंस काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट हैं। मैंने ये निर्णय इसीलिए लिया ताकि मैं उनके और करीब जा सकूँ, और वैसे भी मैंने ये सब किया क्योंकि आपका व्यापार बचाना था। इस मामले से तुम दूर रहो, अपने काम से काम रखना। जी मिस्टर जिंग, मैं समझ गया। निकल जाओ।
तुम्हारी जमानत किसी ने करा दी है, तुम जा सकते हो। ये किसने किया आखिर? जिंग फू है ने। अब जाओ। रुक जाओ। जला दो। चलो। अगर कल हमें वो आदमी चेतावनी नहीं देता तो आज हम इस आग में मर जाते। मिंकुए, तुम इस अफीम को भूलकर मेरे साथ वापस पहाड़ियों में चलो। सुनिए, अब हमें जल्दी चलना चाहिए, रात होने के पहले पहले हमें वहां पहुंचना ही होगा। चलो चलो जल्दी करो, चलो वहां रखो, चलो चलो चलो। मिस्टर लॉरेंस, मेरे मालिक यहां पर है। बताइए मैं क्या कर सकता हूं, मैं आपकी खिदमत में शामिल हूं। मिस्टर जिंग, तुम बाहरी लोगों के साथ मिलकर हमारा धंधा चौपट कर रहे हो। तुमने मुझे दिल से निराश किया है, लेकिन अगर तुम डोंग मिंगकुई को खत्म करोगे तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं और हम दोस्त भी रहेंगे। मिस्टर लॉरेंस, लगता है आप भूल गए कि ये गोदाम आखिर किसका है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मेरे रास्ते आओगे तो महंगा पड़ेगा। और तुम, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन देता हूं वेनन छोड़ने के लिए। फिल एक बहुत खतरनाक लड़ाकू है, मैं तुम्हारी मौत उसके हाथों करवाकर तुम्हें सम्मान दूंगा। अब तो तुम ही देख लो कौन मरता है। अलविदा मेरे दोस्त। Oh!
मिस्टर डी। अब से तुम्हें भी लिस्ट में रखूंगा। जरूर मिस्टर लॉरेंस। लॉरेंस जी, हम फिर मिलेंगे। मिस्टर लॉरेंस, अपना ख्याल रखना। मुझे मिस्टर डी बुलाओ। मिस्टर डी। क्या कर रहे तुम? आगे बढ़ो। समाज के लिए अच्छा करोगे जितना तुमसे हो सकेगा। इस दहशत भरी दुनिया में शांति लाओगे। इस अशांत दुनिया के संघर्षों का समाधान निकालोगे। देश और जनता की सेवा करोगे और जिस जगह पर रहोगे उस भूमि को बचाओगे। मोर पंख ले लीजिए भाई साहब, मोर पंख लीजिए। सुनिए, आप जानते हैं ये मेहमान कहाँ चले गए? आप डॉन मिंको ही हैं? जी हाँ। आप जानते हैं वो कहाँ गए होंगे? कुछ बहुत सारे अजीब से डरावने लोग आए हुए थे यहाँ पे और वो उसे साथ लेकर चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको ये दे दूं। अगर इस औरत को वाकई ढूंढना चाहते हो तो फिर वैनियन के राजमहल में जाके देखो। आपका शुक्रिया। मार दो उसे। चाइना दो चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक यहाँ की संस्कृति और दूसरा यहाँ के बेवकूफ और बेकार लोग।
उम्मीद करता हूँ तुम्हें निराशा नहीं हुई होगी, है ना? उसे जाने दो, हम लोग ये शहर छोड़ देंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। तुमने मेरा सामान जलाया और मेरे आदमियों को भी मारा, और अब तुम यहाँ से जाना चाहते हो? ऐसा नहीं होने वाला। तुम क्या चाहते हो? आज तुम में से कोई एक ही जिंदा रहेगा, ये सब तुम लोग खुद तय कर सकते हो। आखिर में कौन यहां से जाएगा? नहीं मिंकुए, नहीं मिंकुए, नहीं। नहीं मिंकुए, नहीं, नहीं मिंकुए, मिंकुए, नहीं मिंकुए, मिंकुए, मिंकुए। छोड़ दो उसे। युन, 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 युन। क्यों ना मैं तुम्हें भी उसी के पास भेज दूं? क्या बोलते हो? याद आती है। हाँ यून,
उठो यून, उठो। वेलकम टू डीजे रियो टेंका परफॉर्म निया एंजल चैनल।